नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रातीबड़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 19 जुलाई को ही लूट और अपहरण की घटना का किया पर्दाफाश। आरोपियों को कोलार से किया गिरफ्तार। ISBT से एक बुजुर्ग के मोबाइल से आरोपी ने की थी कार बुक। रातीबड़ इलाके में लाकर तीन आरोपियों ने मोबाइल पैसे छीन कर मारपीट कर बिल्किसगंज के जंगल में फेंका था। फरियादी को रातीबड़ पुलिस ने आकाश, केशव और योगेश को किया गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने जब्त की कार, मोबाइल और पैसे। पूर्व में भी आरोपियों पर कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं दर्ज। जी, 19 जुलाई को एक व्यक्ति ने कार बुकिंग की थी। किसी अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल से फ़ोन किया था कि हम लोगों को रातीबड़ जाना है। तो ISBT से आवेदक अपनी कार लेके गया। तीन लोग थे, तीनों को बैठा कर लाया। रातीबड़ पहुँचकर उन्होंने बोला कि थोड़ा और आगे चलो, फार्म हाउस तक, आपको 200 रुपये और दे देंगे। तो सरवर गाँव के पास जाकर उसके साथ मारपीट की, मुँह बांध दिया उसका, हाथ पैर बांध दिए, उसके पर्स और मोबाइल छुड़ा लिए थे और बिल्किसगंज के पास झाड़ियों में से फेंक कर चले गए थे, उसकी कार लेकर चले गए थे। तो तीनों आरोपियों का अरेस्ट कर लिया है। कार, मोबाइल और पर्स बरामद कर लिया। सर, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है इनका? ये अपराधिक किस्म के हैं, पहले भी इस प्रकार की घटना कर चुके हैं। आज से करीब 8 महीने पहले उमरावन में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया था और कोलार रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ठीक सर, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।